तो ये साउंड, ये बर्जर का साउंड है पैनल में, ये ट्रबल्स आगे पीछे होता है तो ये साउंड आता है पैनल से। सबसे पहला साउंड, ये पैनल का अपना साउंड है, ये मोटर का साउंड नहीं है। इसको एक्नोलेज दबा देंगे तो ये साउंड ऑफ हो जाएगा, बट ये रेगुलर आते रहेगा। जब जो ही ट्रबल आगे पीछे होता रहेगा ये आते रहेगा। तो इसके लिए हमको ये पैनल से कैसे इसको म्यूट करेंगे, म्यूट करने का सेटिंग देखिए। आपको मेन मेनू में प्रोग्राम अलर्ट स्टेटस में चले गए, पासवर्ड इसको डिफॉल्ट आता है वो दबा दिए। पासवर्ड डालने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद अलर्ट स्टेटस में, अलर्ट में नहीं, एक्चुअली ये आपको पैनल प्रोग्राम में जाना होगा, पैनल प्रोग्राम मेनू में, फिर पैनल सेटिंग में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको ये पैजो, यानी जो ये बीप साउंड आता है ना, ये पैजो ऑन होने की वजह से ही आ रहा है। अगर आप इसको ऑफ रखना चाहते हैं, आपको ज़्यादा एनोइंग साउंड लगता है तो इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से। तो कैसे ये ऑन है, अब इसको एक बार और दबाएंगे तो ये ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद इसको यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको अब ये साउंड नहीं आएगा आपका, आपको चले गए। देखिए ट्रबल आगे हुआ है, ट्रबल आगे बढ़ गया है, अब मेरा 160 हो गया। तो ये आगे बढ़ने के बाद ये पैनल अब साउंड नहीं कर रहा है, यही चीज़ पहले साउंड कर रहा था, क्योंकि हम ये बीप साउंड इसका हटा दिए, बर्जर ऑफ कर दिए। थैंक यू दोस्तों।